कहूँगी मेरे लिए बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग बन के आया, क्योंकि मरारी मैंने कोक स्टूडियो में गाया था एंड पीपल स्टिल लव दैट सॉन्ग. आज 6 साल हो गए उस गाने को. दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूस्ड इंडियन सॉन्ग आई वुड से, डन बाय सोनू कक्कर, विशाल दालानी एंड क्लिंटन सेरेजो. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस, नॉन फिल्म सक्सेसफुल नॉन फिल्म सॉन्ग फ्रॉम एमटीवीज प्रोडक्ट. एब्सोल्युटली. और वही कहूँगी कि एमटीवी जब कुछ करते हैं तो बहुत कमाल का होता है. अभी season 8 अनप्लग, पहले भी मैंने अनप्लग किया था, और हर बार जब जब उस स्टेज पर होती हूँ और होती हूँ तब तो बहुत मज़ा आता ही है. लेकिन इस बार तो तीनों, मतलब हम तीनों सिबलिंग साथ में थे. इट वाज सरियल एक्चुअली. नेहा नेहू अभी नहीं है, वो शी कुड नॉट कम, पर जो एपिसोड है वो हम तीनों का साथ में, तीनों का साथ, व्हिच इज अमेजिंग. वी हैड ग्रेट टाइम परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. वो आपको नजर आएगी, एनर्जी नजर आएगी, वो वाइब नजर आएगी कि जब सिबलिंग्स परफॉर्म करते हैं एक साथ तो क्या ऑडियंस के ऊपर क्या असर आता है और वो लोग क्या फील करते हैं. आई नो कि आई एम श्योर दे विल डेफिनेटली लाइक इट. हमारी तरफ से हमने बहुत कोशिश की है अच्छा करने की. उम्मीद यही है कि आप सबको पसंद आएगा. आई एम श्योर काफ़ी कुछ है. अगर बॉलीवुड में भी नहीं है तो नॉन फिल्म आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं. आजकल तो आपके वर्जन किए हुए, आपके कवर वर्जन किए हुए इतने पॉपुलर हो जाते हैं अगर जनता उसे एक्सेप्ट करती है तो बहुत सारे रास्ते हैं. और हम लोग तो, मैं इंडिविजुअली कहूँगा, मैं तो नॉन फिल्म म्यूज़िक करके ही फिल्म में आया हूँ. मेरा जितना इंडिपेंडेंट, इनफैक्ट इंडिपेंडेंट सक्सेस देखी जाए तो 2018 में माई सॉन्ग कोका कोला 2 वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट. तो इट इज स्टिल ह्यूज, लाइक कोई पार्टी उस गाने के बिना नहीं होती है टोनी. तो कम्प्लीटली वो नॉन फिल्म सक्सेस है, ना ही बड़ा लेबल है उसमें, ना ही बहुत बड़ा सिंगर है मैं हूँ, तो चला वो. तो ऐसे ही आई एम श्योर कि और भी आर्टिस्ट अगर करेंगे और प्रोडक्ट अपना बस बाहर निकालें, रिलीज़ करें उसको, भले ही कहीं से भी रिलीज़ करें, यूट्यूब से करें या कहीं से भी, तो आई एम श्योर अच्छा होगा. तो वो फैल जाएगा. बहुत ज़्यादा है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए. आई वुड से कि बहुत अच्छा वक्त है ये. और इनफैक्ट मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है सोनू कक्कर ऑफिशियल करके, जहाँ पर मैं अपने पसंद का म्यूज़िक करती हूँ. जो गाने मैंने कभी चाहा था कि मैं कभी गाऊँ, वो मैं अपनी वर्जन करके गाती हूँ. तो आजकल बहुत बहुत अच्छे अच्छे मीडियम्स हैं जहाँ पर आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो. प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर ऑल द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. और एमटीवी बहुत बड़ा रोल अदा करता है इन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को आगे लाने में. I'm very excited about being part of Royal Stag, Vera Select, MTV Unplugged Season 8. I've been watching this show, all the seasons, and some of my favorite... Sorry, they told me to come. We have an intruder. But anyways, no, I'm kidding. Some of my favorite artists have performed, and now on this season, people like Arjuna is performing. Yeah. So a lot of newer talent, including myself, are getting this opportunity, and I'm very, very excited. It's your first MTV Unplugged? It's my first time doing my own, like a song that I sung originally, but I sang with Amit Trivedi last season. Amazing. Are we interviewing each other? No. MTV Unplugged. और इतने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ गाना, योर फेस इज कवर्ड, इतने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ गाना, एक यू नो बाय इटसेल्फ इज अ बिग ऑनर. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. आ गया है आज रिलीज हो गया 12 बजे. सॉन्ग का नाम है तू ना मेरा. इट्स अबाउट 2 soldiers. आप जरूर देखना, बिकॉज यू नो रिपब्लिक डे इज ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर. बहुत अच्छी लव स्टोरी है. तो आप सॉरी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. खुद से कहते रहता तू ना मेरा, तू ना मेरा, तू ना मेरा, तू ना मेरा, रहने देना तू ना मेरा, तू ना मेरा. फिर क्यों मिले हैं मुझे हर जगह पे ऐसे तू. गाना इज कॉल्ड तू ना मेरा एंड इट्स ऑन यूट्यूब नाउ. हमेशा कोशिश करी है कि इतना अच्छी बोलना, कितना अच्छी बोलना ये भी बता दो, इतना ठीक है. मैंने कोशिश करी ऑलवेज कि जो गाने हैं वो नए तरीके के हैं और आज के तरीके के हैं, क्योंकि मेरा दिमाग आज का है, मेरी ऑडियंस आज की है. और जितने भी गाने हमने सुपर हिट लोगों ने गानों को बनाया, वो हम उनमें से 4-5 गानों को हमने रिक्रिएट करा है फॉर द एमटीवी अनप्लग्ड season 8. और हमें ये उम्मीद है कि वही गानों को आप सब इतना ही प्यार दोगे जितना पहले प्यार दिया. और एक उनमें नया गाना है सज्जन रुस जावे था, वो भी सुनना अगर आपके पास टाइम हो तो. ये तो
हर एक मार्केट की अलग अलग ऑडियंस है एंड इन इंडिया बॉलीवुड से बड़ा आई थिंक इंडिया में कुछ नहीं है. और जब मैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक कर रहा था तो मेरे साथ रॉ ऑडियंस जुड़ी हुई थी, गाँव की, कस्बों की, जो जहाँ से मैं हूँ. और वही ऑडियंस प्राउड फील करती है जब उनका आर्टिस्ट, बनाया हुआ आर्टिस्ट बॉलीवुड में जाता है. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जब मैंने शुरू में बॉलीवुड में 2017 में सूट निकाला तो मेरी खुद की ऑडियंस ने प्राउड फील करा, मेरे गांव ने प्राउड फील करा. और इम्पॉर्टेंट होता या नहीं होता ये बात की बात है, बट आप कितना इन्जॉय कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैं इन्जॉय करता हूँ ये जर्नी अपनी, और मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जिन्होंने पहले दिन से टाइम निकाला, अपना टाइम दिया गाने सुनने के लिए, आई थिंक उनके लिए ज़्यादा प्राउड फीलिंग बात है कि मैं बॉलीवुड में आज गा रहा हूँ और इंटरनेशनली कोलैबोरेशन कर रहा हूँ. तेरी चढ़ती जवानी मैनू किल करी जावे, अखा नू मिलावे कदी अखा नू चुरावे, अखा नू मिलावे कदी अखा नू चुरावे, अंबरां दी राणी देखो हाथ भी ना आवे. चोरी 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 इशारे कर दिया, कुड़ी दारू वर्गी आ ओ हौली हौली चढ़ दिया, जद कोई दिल मंगदा ओ नाना नाना कर दिया. MTV क्या है, रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट MTV अनप्लग्ड सीज़न 8 में जो मैं आया हूँ इस बारी, उसमें एक ऐसा जॉनर है जो मैं बचपन से बहुत सुनता आया हूँ, अभी भी सुनता हूँ और मैं उसका फ़ैन हूँ, वो है गज़ल्स. लेकिन मैंने कभी गज़ल्स को जैसे एज ए प्रोफेशन नहीं गाया कभी भी, पर सुना बहुत है और सीखा बहुत है. और यही हमारे जो ग्रेट्स हैं, जगजीत जी, गुलाम अली जी, मेहंदी हसन साहब, हुसैन बख्श जी, तलत अजीज़ जी, पंकज उदास जी, अनूप जलोटा जी, इन सब लोगों से सीख सीख के इनकी गायकी को अपने एक्सप्रेशंस में, जो फिल्मी गाने हैं उसमें मैंने डाला. तो आई थॉट बजाय मैं अपना कुछ गाना करने के, ये जनरेशन जो है, जैसे मेरा बेटा है वो इंग्लिश गाने गाता है, एडम लवीन, मरून 5, जस्टिन बीबर, पर जब उसने मेरा ये वर्जन सुना झुकी झुकी सी नज़र, तो उसने जाके उसका क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल ढूंढा यूट्यूब से और उसने गाया झुकी झुकी सी नज़र. तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम ये जो जनरेशन है वो मेरी वजह से इन गानों को सुनने के लिए कहीं ना कहीं तो तत्पर होगी. तो दैट वॉज माई होल आइडिया. जी बनाओ बनाओ, मैं तो बोलता हूँ जितने जितने वर्जन बनाने बनाते रहो, खूब बनाओ, पर जो तुम्हारे बच्चे आएंगे वो भी तो किसी को चुराएंगे, तो अपने भी नए अभी भी कुछ बनाओ नए, ताकि तुम्हारे बच्चे भी चुरा पाए कुछ ना, इसलिए मैं मजाक कर रहा हूँ. बट व्हाट आई फील इज ये एक बिजनेस डिसीजन है रादर देन म्यूजिकल डिसीजन, कि कोई गाना ऑलरेडी पॉपुलर है, जैसे आँख मारे ऑलरेडी पॉपुलर था गाना, तो उसको अब दोबारा आपको पेश नहीं करना, आपने उसको कपड़े बना दिए नए से और बोल दिया नया गाना है, तो ठीक है, अच्छी बात है. एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ गुड थिंग, पीपल आर एंजॉइंग दिस. आज लोग डांस तो कर रहे हैं उस गाने पे, तो ठीक है, आई एम ओके विद दैट. समझदार बच्चे हैं, सबको सब मालूम है आजकल, एंड और बहुत इज्जत करते हैं, बहुत तमीज़दार हैं, एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि ये लोग भी हैं और मैं भी हूँ, एंड वी ऑल डू आवर ओन डिफरेंट स्टफ, सो इट्स ऑल गुड. हाँ जी, एक का नाम नहीं ले सकते क्योंकि सब में अपने अपने कुछ बातें हैं, चाहे वो अरिजीत हो या अरमान हो या अमित मिश्रा भी बहुत अच्छा गाते हैं, काफ़ी नकाश बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे से लड़के लड़कियां सभी, अदिति सिंह शर्मा, जोनिता गांधी, दे ऑल ग्रेट सिंगर्स, एंड दिस टाइम द जनरेशन जो आ रही है वो सब अच्छी अच्छी गाने वाली आ रही है. सोनू सर.